हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूँ प्रथमिशिता पे, आप देख रहे हैं प्रथमिशिता पे चैनल। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो निकॉन डी 7000 आप देख सकते हो, इसकी जो एक रिव्यू देने वाला हूँ और इसमें जो क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इधर वाले जो है बात कर लेते हैं। इसमें जो एटो मोड आता है, जो फ्लैश नहीं लगाना, वो सीन मोड आता है। इधर जो है ये जो है मैनुअल मोड आता है। तो आपको जो शटर स्पीड के बारे में पता ही होगा, तो मैक्सिमम शटर स्पीड कितनी होती है इस कैमरा की, तो मैं उसमें 1/250 मैक्सिमम शटर स्पीड होती है। और आप बोलोगे तो इसका आईएसओ कितनी रेंज तक जाता है, तो इसका आईएसओ जो है मैक्सिमम 6400 तक जो है होता है। तो ये लेंस है निकॉन की, जो आप देख सकते हो 18-105 जो है इसके, इसका जो है इतनी जो है जूम लेंथ है। और ये जो है निकॉन की ब्रांडिंग दी हुई है इधर, आप देख सकते हो। हम जो इसकी बात कर लेंगे तो ये जो है एक आप जो है आईएसओ एडजस्ट कर सकते हो। ये जो है मैंने एटो पर डाल रखा है, इसलिए थोड़ी जो है आईएसओ अपर्चर ये जो है थोड़ी दिक्कत होगी। तो इधर जो और जो हम इधर प्रेस करेंगे तो इधर लाइट थोड़ा लगता है, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा मोबाइल की वजह से, पर इसमें लाइट लगता है। तो हम इसमें जो है लॉन्ग प्रेस करके जो है हमारा फोटो निकाल सकते हैं। अगले वाले इधर वाले सेक्शन की बात करें तो इधर जो है कार्ड रहता है, एक और दो स्लॉट दिए हुए कार्ड के। और इधर वाले सेक्शन की बात करें तो इधर जो है कुछ चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, HDMI पोर्ट। आप इसमें जो टीवी में फ़ोटो वगैरह देख सकते हो, AV पोर्ट दिया हुआ है। अगले वाले सेक्शन की बात करें तो इधर GPS और माइक जो इधर लगा सकते हो आप। इधर वाले ऊपर वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। हमने इसे ऑन कर लिया है, तो हम लाइव मोड पर डालते हैं। तो इसमें जो आपको मेन्यू का बटन दिया हुआ है, मेन्यू में आप जो प्लेबैक फोल्डर जो है, इसमें कोई इमेज नहीं, इसलिए ये जो है डिलीट के ऑप्शन पर नहीं जा रहा है। प्लेबैक फोल्डर है, इसमें डिस्प्ले मोड है, इमेज रिव्यू, आप इमेज मतलब निकालते रिव्यू कर सकते हो उसे। जो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, सेकंड वाला है कैमरा के बारे में, आप रिसेट शूट कर सकते हो, स्टोरेज फोल्डर में कितने इमेज है सब दिखाता है, ऐटो फोकस, इमेज क्वालिटी मैनेज कर सकते हो आप। इसमें LCD ब्राइटनेस, मतलब आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी है, मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करना है क्या, ऐसे बहुत सारे सेटिंग मिल जाती है। जो इसमें जो ISO एडजस्ट करने के लिए ये जो बटन दबाकर आप जो ISO एडजस्ट कर सकते हो। हम इसमें लाइव मोड में जाते हैं, इसका ISO 280 है, तो आपको क्या करना है, ये बटन दबा के रखना है और जो इसे घुमाना है तो ISO जो है बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इसमें ये जो आपको जो इस लेंस में 105 जो 18-105 लेंस में जो यप कितना मिलता है, तो इसमें 5.6 तक ही यप जो है। मैं आपको मैनुअल में मोड में दिखाई देता हूँ, तो इसका जो है यप, हम यप जो है कंट्रोल कर लेंगे, तो ये जो 4.2 तक ही जाता है। ये अब क्या होता है एक्चुअली में जो है परसेंट टू परसेंट जो है डिपेंड होता है, आप जो है फोटो निकालते हो तो कैसे निकालते हो और इसमें जो है कितना ब्लर आता है, ये अब उस पर डिपेंड होता है। और इसमें जो है 1/250 तक जो है शटर स्पीड आ जाता है। तो और जो है ISO इधर से एडजस्ट कर सकते हो, इधर से जूम आउट जूम इन जो है कर सकते हो। और इसमें आपको फ्लैश जो है चालू करना हो तो ये डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते ही ये जो है फ्लैश ओपन हो जाता है। और इधर जो है ये बटन ऑटो फोकस मैनुअल फोकस के लिए है, और इसमें जो है दबा कर रखेंगे तो आपकी लेंस जो है निकल जाएगी। और जो ये जो है आपको लेंस को में पता ही होगा, फोकस करने के लिए ये जो है रिंग रहती है, और ये जो है आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो। तो ये थी वीडियो आज की। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी न्यू वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।